2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रही है और इन लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त केंद्र में है, सत्ता में है और इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार विपक्षी दलों के साथ बैठकें कर रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी 8 विपक्षी दलों के साथ बैठक की, लेकिन कांग्रेस को इस बैठक से बाहर रखा। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और इन विधानसभा चुनाव में अगर रुख किया जाए मध्य प्रदेश की सियासत की तरफ, तो यहाँ पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सभी के निशाने पर बने हुए हैं। मांग की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंदरूनी सूत्रों की माने यही दावा किया गया है कि बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जा सकते हैं। फिलहाल देखा जाए अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जो उत्तर प्रदेश से इस वक्त प्रभारी है, उनको लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि मध्य प्रदेश को इस बार सबसे आसान राज्य माना जा रहा है। उनका कहना यह है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां की प्रभारी बन जाएं तो कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उनकी धाक और जमेगी। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की प्रभारी बनाने की तैयारियां हो रही हैं, तो ऐसे में यहां पर भूपेश बघेल के साथ उनकी केमिस्ट्री को देखते हुए कुछ नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ दोनों का प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को बना देना चाहिए, मांग उठना शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए प्रियंका गांधी वाड्रा अगर यहां की प्रभारी बनाई जाती है, नारी हूं लड़ का नारा उन्होंने यूपी के विधानसभा चुनाव में दिया था, वही मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में वह राहुल गांधी के साथ शामिल हुई थी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पहले से ही चल रहा है और इस अभियान के जरिए महिला वोट बैंक को वह साधेंगी। दावे किए जा रहे हैं कि भोपाल का दौरा वह करेंगी, चौपाइयां लगाती हुई नजर आएंगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। क्या वाकई में यहां पर प्रियंका उन्हें एक बड़ी चुनौती देती है तो सिंधिया यहां पर उनका सामना कर पाएंगे, क्योंकि सिंधिया को लेकर यही कहा जाता है कि सिंधिया जिस पार्टी में उस पार्टी को जीत मिलती है। 2020 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि सिंधिया को लेकर मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है, क्या सिंधिया वाकई में यहाँ पर कांग्रेस को हार दिला पाएंगे, क्योंकि 15 महीने में सरकार गिर गई थी। सिंधिया ने जब इस्तीफा दिया था उस वक्त कमलनाथ की सरकार गिरी थी। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।